हेलो एवरीवन, आपका तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज एक साथ हम एक ही बार में लड्डू पेड़ा बना के तैयार करेंगे, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है। आप दीपावली के त्यौहार पे जितना मर्जी उतना बनाइए, खिलाइए, बांटिए, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए पहले इसे बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने 125 ग्राम घी लिया है। यहाँ देसी घी हम यूज़ करेंगे। और 250 ग्राम मैंने बेसन लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जब ये 50% भुन जाए, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे भूनना है, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है। जब ये आपको लगे कि 50% भुन गया है, खुशबू इसमें आने लगी है, तो यहाँ 50 से 60 ग्राम हमें सूजी ऐड करनी है। और इसे मिला के भी अच्छे से भूनना है। जैसे जैसे ये भुनता जाएगा, ये घी छोड़ता जाएगा, ये देखिए पहले ये इसमें झाग से आएंगे और फिर ये झाग गायब होने लगेंगे। और ये आप देख सकते हैं कलर भी इसका सुनहरा हो चुका है। थोड़े से यहाँ मैंने काजू बादाम खरबूजे की ग्रील ली है। जब ग्री अच्छे से फूल जाए, थोड़ी सुनहरी हो जाए, तब इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। यहाँ 2 बड़े चम्मच के करीब हमें दूध लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और इसे जल्दी से हमें इस तरीके से मिक्स करना है। इसे हमें जब तक भूनना है, जब तक बिल्कुल घी इसका अलग ना होने लगे और दूध इसमें सूख ना जाए। इससे आपका पेड़ा बहुत ही स्वादिष्ट एकदम दानेदार बनेगा और बहुत ही एकदम फोका तैयार होगा। ये देखिए बढ़िया से ये भुन चुका है, घी भी इसने छोड़ दिया है। अब इसे हम किसी परात या थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम मावा भून लेते हैं। यहाँ 200 ग्राम का कप है, इसे ऊपर तक भर के मैंने मावा लिया है। और इसे मैश करते हुए जो इसमें गुठलियाँ हैं, ये सारी अच्छे से जब मैश करोगे और भून के इस तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका जो कच्चापन होता है वही हमें दूर करना है। ये बढ़िया से हमारा भुन चुका है, बस इतना ही हमें भूनना है कि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा बस टाइट हो जाए। तो इसे कढ़ाई में चारों तरफ फैला देते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए टाइट हो चुका है, क्योंकि ठंडा काफ़ी हो चुका है। ये यहाँ हम थोड़े से काजू बादाम को ग्रेट करेंगे। यहाँ मैं पिस्ता ग्रेट कर चुकी हूँ। क्योंकि इसमें जो हम काजू बादाम लगाएंगे वो कटे हुए नहीं लगाएंगे, ग्रेट करने के बाद बिल्कुल इनका बरूदा हो जाता है, तो वही हमें इन पेड़ों के लिए चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले हम बेसन ले लेते हैं, बेसन भी ठंडा हो चुका है। और इसमें मावा ऐड कर लेते हैं। यहाँ 250 ग्राम मैंने बेसन लिया था, तो 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा मैं यहाँ बोरा लूँगी। आप बोरा नहीं मिल पाता है तो आप पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। मीठा कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा।
छोटी इलायची का पाउडर, थोड़ी किशमिश लूँगी और इसे हमें इस तरीके से मिक्स करना है कि बेसन और मावा आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ 250 ग्राम मैंने बेसन लिया था और 250 ग्राम ही मैंने मावा लिया है। आप मावा कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसको मिक्स करना है कि जिस टाइम हम लड्डू या पेड़ा कुछ भी बनाएं तो अलग से मावे का या बेसन का फ्लेवर ना लगे, दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये इतने बढ़िया से तैयार हो जाता है कि इसे आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लड्डू का, पेड़े का, या इसकी बर्फी भी बना सकते हैं। इसको सेट कीजिए आप किसी भी ट्रे में, ये बर्फी भी बन के तैयार हो जाती है। यहाँ थोड़ा सा मैंने काजू बादाम का पाउडर लिया है। छोटे साइज की कटोरी लेने के बाद इसे इस तरीके से प्रेस करेंगे और जब इसे आप निकालेंगे तो ये शेप बन जाएगी। आप इस तरीके से भी इन्हें तैयार कर सकते हैं। आप इसका लड्डू भी बना सकते हैं, जो मर्जी वैसी शेप दे सकते हैं, कुछ भी ये बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए, ये बढ़िया सी एकदम पेड़े की शेप आ गई है। आप इसका गोल पेड़ा भी बना सकते हैं। ये फ़िलहाल मैंने इस तरीके से बनाया है। थोड़ा सा लगाऊंगी इसको पिस्ता, तो इस तरीके से ये मैंने थोड़े से लड्डू बनाए हैं, थोड़े से ये लंबाई में पेड़े बनाए हैं और सभी के ऊपर ये हम थोड़ा काजू बादाम का पाउडर लगा देते हैं। थोड़ा लड्डू के ऊपर भी डिज़ाइन लगा देते हैं। आप प्योर यदि बेसन के लड्डू बनाना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, आपको सबसे ऊपर दिखाई दीजिएगा, क्योंकि वो लड्डुओं का वीडियो मेरा वायरल है इस टाइम। तो आप वो भी बना सकते हैं, वो भी बहुत इजी और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बन के तैयार होते हैं। तो इस तरीके से आप दीपावली पे लड्डू पेड़ा कुछ भी बनाइए, दोनों खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तो ये बनके तैयार हो गए हैं हमारे दीपावली स्पेशल पेड़ा और लड्डू। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से हमने ये दो रेसिपी एक साथ तैयार की हैं और बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल दानेदार, और आप इसे 8-10 दिन स्टोर करके भी रख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मावा पड़ा हुआ है। तो इसे 8-10 दिन के लिए आपकी दीपावली का टाइम बहुत अच्छे से निकल जाएगा। लड्डू पेड़े में आप बांट भी सकते हैं और भाई दोस्त तक आप बना के आराम से इनको खा सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल सुबह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। Thank you.